ओके सेक्शन 72 हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर बात करता है मोड्स ऑफ गिविंग द पब्लिक नोटिस. पब्लिक नोटिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक नोटिस? पब्लिक नोटिस मतलब होता है कि हम जनता को सूचना दे रहे हैं. अगर हिंदी कन्वर्जन देखो, पब्लिक मतलब जनता, नोटिस में सूचना देना. तो कुछ केसेस हैं जिन केस में हमारा पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम ऑफिशियल गैजेट में ही अगर केवल पब्लिश करवा देते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशियंट. तो देखते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं. देखो अब दो केसेस हैं. पहला केस है अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या उसको निकाला जा रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड फर्म. मैम ये रजिस्टर्ड फर्म लिखा, अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है मतलब हमने उसको रजिस्ट्रार के साथ ना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि हम पता है पार्टनरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो है नहीं, तो मैम उस केस में पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो. केवल रजिस्टर्ड फर्म के केस में बात हो रही है. अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है, या फिर फर्म रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है. डिसोल्यूशन क्या होता है? फर्म खत्म हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल इन द अर्लियर वीडियो. अगर आपने नहीं देखे तो आप वाली वीडियो रेफर कर लो. और टू द इलेक्शन टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन अ रजिस्टर्ड फर्म बाय अ पर्सन अटेनिंग मेजोरिटी हु वाज एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बाय नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स अंडर सेक्शन 63 एंड बाय पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट इन एट लीस्ट वन वर्नैक्युलर न्यूज पेपर सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म टू विच इट रिलेट्स हैज इट्स प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. मतलब देखो समझो, बताती हूँ इजी वर्ड्स में समझो. आपको पब्लिक नोटिस किस केस में देना है? कोई पार्टनर गया, कैसे गया, रिटायरमेंट हुआ या एक्सपल्शन हुआ, या फिर फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है. मैम फर्म बोले तो रजिस्टर्ड फर्म याद रखेंगे. अच्छा, या फिर कोई माइनर, जिसको हमने जब वो माइनर था उसकी माइनॉरिटी के दौरान में, माइनर मतलब 18 ईयर और लेस एज, अब वो मेजर हो गया. माइनर था तो उसको हमने अपने बेनिफिट्स में एडमिट कर लिया था. मेजर होता है तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि क्या आप हमारी फर्म में पार्टनरशिप लेना चाहते हो. तो अगर वो हाँ कहता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी हमको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स पहले माइनर थे, हमारी फर्म में बेनिफिट्स ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बट नाउ सिंस ही हैज अटेन्ड मेजोरिटी एंड ऑन गिविंग हिम एन ऑप्शन वेदर ही वॉन्ट्स टू अ पार्टनरशिप इन द फर्म, ही हैज कंसेंटेड ऑन द सेम, सो नाउ ही इज ऑल्सो पार्टनर फ्रॉम दिस डेट. तो ऐसा आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. ये सब होता है आपका सेक्शन 63 में माइनर वाला केस. और आपको ये तो देना ही पड़ेगा, साथ में पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट आएगी, और कम से कम वन वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर. वर्नैक्युलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज. जो भी आप रीजन है, सपोज गुजरात है तो गुजराती न्यूज़पेपर में, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में, ठीक है, महाराष्ट्र तो एक मराठी न्यूज़पेपर में, समझ गया ना. वर्नैक्युलर का मतलब लोकल लैंग्वेज. उसमें आपको वट एवर न्यूज़पेपर वर्कैनुलर न्यूज़पेपर इज इन सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, उसको आपको उसमें देना पड़ेगा. किस स्टेट में दोगे? जिस भी फर्म, जिस भी प्लेस में फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है. इन केसेस के अलावा जो मैंने अभी डिस्कस किए, मैम कौन से केसेस? डिसोल्यूशन वाले, एक्सपल्शन वाले, रिटायरमेंट वाले, माइनर मेजर केस वाला, ठीक है. इन केसेस के अलावा आपको केवल एक ऑफिशियल गैजेट में एटलीस्ट अगेन वन वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर जो भी सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको अपना पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. दैट्स इट ऑल व्हाट सेक्शन 72 सेज. So if you want all the videos on business laws, subscribe to the channel and press the bell icon. आपको regular updates मिलती रहेगी, section में discussion मिलता रहेगा. Thank you so much. Happy learning and all the best for your papers.